हे एवरीवन, वेलकम टू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट पेज 20। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड अप्रैल के इस बुलेट जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप इस बुलेट जर्नल की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो मेक योर ओन मैजिक ऑफ द अप्रैल मंथ। तो यहाँ पर मैंने अप्रैल, आपको पता ही है कि एज अ समर का मंथ है, समर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर मैंने इसे समर से रिलेटेड रखा है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड सो कॉल्ड म्यूज़िक, कांट हेल्प इट। तो आज के इस बुलेट जर्नल में, अप्रैल के बुलेट जर्नल में, मैंने यहाँ पर समर थीम को जो ऐड किया है उसमें मैं मोस्टली येलो कलर्स एंड इसमें थोड़े मैं वाटर कलर्स को यूज़ करने वाली हूँ। लेमन येलो एंड लाइट येलो कलर्स को बेसिकली यूज़ करके यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ माइक्रोन के पेन से मैं इस आउटलाइन को ड्रॉ करूँगी वापस से। मैंने यहाँ रफ स्केच ऑलरेडी तैयार कर लिया है और अब बारी है इसे प्रॉपर आउटलाइन देने की। तो आपने समर के लिए क्या और कैसे प्लानिंग की है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। एंड क्या आपने भी मंथली बुलेट जर्नल सीरीज स्टार्ट किया है तो उसे भी आप मुझे या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ब्रिस्टो के पॉकेट वाटर कलर सेट को यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अमेज़न से ख़रीदा था एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा अब तक का वाटर कलर का सबसे फेवरेट सेट है। एंड इसके साथ आपको एक वाटर पेन वाला ब्रश मिलेगा जिसमें आप वाटर होल्ड कर सकते हो। एंड इसके कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट है एंड आई मस्ट से कि सभी आर्टिस्ट के पास ये होना चाहिए क्योंकि आप इसको ट्रैवल करते समय भी आसानी से यूज़ कर सकते हो।
अप्रैल के बुलेट जर्नल का हमारा ये फ्रंट फर्स्ट पेज रेडी हो चुका है, तो मैंने यहाँ सोचा क्यों ना इस पर एक कोट भी ऐड करूँ, व्हेन लाइफ गिव्स लेमन्स मेक लेमनाइड। तो यहाँ पर मैंने लेमन थीम को समर थीम से कनेक्ट किया है, सो होपफुली आपको अच्छा लगा हो एंड आपने कुछ नया ट्राई किया हो तो वो भी ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो है मूड ट्रैकर। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं अपने मूड को ट्रैक करने के लिए मैंने यहाँ इसे भी समर थीम यानी कि ऑरेंज लेमन्स इन सबसे ही कनेक्ट रखा है। तो आप इस के रफ स्केचेस को देख सकते हो कि मैंने कैसे यहाँ ड्रॉ किया। मैंने यहाँ हाफ लेमन ड्रॉ किया एंड इस पर मैं पूरे अप्रैल मंथ में जितने भी दिन होते हैं उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लाइन्स खींच ली हैं एंड फिर उसे मैं कलर वाइज पर फिल करती रहूँगी पर डे के हिसाब से। सो आवर नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट ब्रेन डंप, जहाँ पर मैं अपने आइडियाज़ को नोट डाउन करूँगी। एंड मैंने यहाँ पर एक बॉटल को ड्रॉ किया है, एज समर इज़ ऑल अबाउट गर्मी, ड्रिंक मोर वाटर, खुद को हाइड्रेट रखना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए बॉटल को ड्रॉ किया। Now the most important page, budget tracker, the most important, useful, आप जो कह लो। एंड आपने अभी तक इसे बनाया कि नहीं बनाया नहीं पता मुझे, बट आपको बनाना चाहिए, मैं बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसे अपनी लिस्ट में शामिल करो, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है।
सो आवर नेक्स्ट पेज इज़ यूट्यूब ट्रैकर। आप मेरे YouTube फैमिली से अगर जुड़े हुए हो, आप मेरे YouTube फैमिली के मेंबर हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को पूरा देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है एंड आप लोग के सपोर्ट के कारण मुझे और मोटिवेशन मिलती है। एंड आप में से बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं या जो कंटेंट बनाते हैं इस तरह के, तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर मैंने वीकली अपने यूट्यूब ट्रैकर का पेज बनाया है, जिसमें मैं मैंने कितने दिन मंथ में पोस्ट किया, रील्स हो गए या वीडियोस हो गए, तो यहाँ पर मुझे ये ट्रैकर से काफ़ी हेल्प मिलती है। हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो है इंस्टाग्राम ट्रैकर। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हुए हो तो प्लीज़ जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, अपने पेंटिंग्स वगैरह को शेयर करती हूँ एंड कुछ अपनी रैंडम डेली लाइफ को भी वहाँ शेयर करती हूँ। तो वहाँ पर आप मुझसे जुड़ना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी @artpage20, सेम एज यूट्यूब। सो यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को ट्रैक, एज इन मैंने डेली कितने पोस्ट किए या कितने रील्स डाले, तो वहाँ इसको मैं ट्रैक करने के लिए मैंने इसे ये पेज बनाया है। एंड हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा वो, जिस पर मैं काम नहीं कर पा रही पिछले कुछ महीने से, जो है डेली अफर्मेशन ब्लॉग्स। आपको मैंने पिछले वीडियोस में भी सेम रीज़न बताया था, बट कांट हेल्प इट, क्योंकि काम लगातार मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो डेली बेसिस पे काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, बट मैंने इस पर काम करना है। मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगी आप लोगों को, बट मुझे पता है मैंने डिसअपॉइंट किया है अभी, बट आने वाले समय में मैं नहीं करूँगी। होपफुली दिस मंथ अगर मेरे सारे काम शॉर्ट आउट हो जाते हैं, अगेन मैं कह रही हूँ, तो मैं ज़रूर इस पर काम करूँगी। तो हमारा आज का बुलेट जर्नल ऑलमोस्ट रेडी है, तो आई होप आपको ये सीरीज़, बुलेट जर्नल का सीरीज़ अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन करके बताना है कि आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से एक फ्लिप थ्रू हम देख लेते हैं।